नहीं सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभिजीत ऐसा कुछ कर सकता है। क्यों? सीढ़ी तो खुद तुमने अपनी आंखों से देखी है ना। सर वो फुटेज झूठी भी तो हो सकती है। ये झूठे तस्वीरें, झूठे वीडियोस आजकल तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं सर। पर सर आवाज तो अभिजीत सर की है ना। पंकज, आजकल डबिंग आर्टिस्ट आसानी से आवाज निकाल सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं सर। वाह रे वाह दया वाह, वीडियो भी झूठा, आवाज भी झूठी, सब कुछ झूठा, सच है तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त अभिजीत है ना। सच्चाई तो यही है सर कि अभिजीत निर्दोष है। अपनी आंखों पर से अभिजीत की दोस्ती का चश्मा उतार डालो दया, तभी तो तुम एक सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी निभा पाओगे। सर ड्यूटी तो कर रहा हूं मैं, और एक सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी तो है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दया सर, सारे सबूत अभिजीत सर के खिलाफ है, आप उन्हें निर्दोष कैसे कह सकते हैं? पंकज, ये मेरे और एसीपी साहब के बीच की बात है, तुम बीच में ना बोलो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कितनों का मुंह बंद करोगे दया, कितनों का मुंह बंद करोगे? जाओ जरा बाहर जाकर देखो दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं अभिजीत के बारे में। कलंक है अभिजीत हमारे सीआईडी पर, कलंक। बस सर, बस, मैं और नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। क्या लगता है तुम्हें मेरे लिए सब आसान है? आसान है मेरे लिए? क्या लगता है तुम्हें कि अभिजीत सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त था, मेरा कुछ नहीं था? मेरा भी कुछ था अभिजीत, मेरा भी कुछ था, अपने बेटे जैसा था वो मुझे, बेटे जैसा, समझे? लेकिन जब एसीपी प्रद्युमन ने ड्यूटी के रास्ते पर अपने भी बेटे को नहीं बख्शा तो दूसरों को क्यों करेगा? फिर चाहे वो एक्स सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत क्यों ना हो। सर, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर वाकई अभिजीत गुनहगार है तो मैं खुद उसे हथकड़ी लगाकर आपके पास लेकर आऊंगा। होश आ गया तुझे? होश आ गया, होश। कौन हो तुम लोग? हम बुरे लोग हैं, मुजरिम है, मुजरिम। मुजरिम? मुजरिमों से मेरा क्या लेना देना? हमारे लिए तू मुजरिम है और तेरे लिए हम, समझा? और जानता है ना मुजरिमों के साथ क्या किया जाता है? हाँ जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं मुजरिमों के साथ क्या किया जाता है। जितने तुमने कहे थे, पूरी 6 लाख है। अभी इनसे काम चला लेता हूँ, बाकी ये कब मिलेंगे? देखो मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ,
मैंने इन पैसों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया है। ये सब तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। अगले हफ्ते तक अगर बाकी के पैसे नहीं मिले तो अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानती हो। नहीं दया, ये वीडियो नकली नहीं है, माफ नहीं किया गया, अभिजीत ही है ये। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी अभिजीत की जो उसे सब करना पड़ा। मुजरिमों की मजबूरी समझ लेना हमारा काम नहीं दया, उनको अंजाम देना हमारा काम है। यकीन आ गया ना आप लोगों को कि मुजरिम अभिजीत ही है? सर प्लीज, आप तो कुछ मत कहिए, आप तो हमेशा अभिजीत से चिढ़ते रहते हैं। क्या बात कर रही हो तुम तारिका, कुछ सोच रही हो, समझ रही हो क्या बोल रही हो तुम? मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है अभिजीत के साथ, और जो है वो सबके सामने दिखाई दे रहा है, देखो। सर गुंजन का फोन अभी भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मगर क्या सर, मोबाइल कंपनी से हमें ये पता चल गया है कि उसका फोन बंद होने से पहले उसे आखिरी कॉल किसका आया था, जिसकी वजह से वो बाहर से चली गई थी। तो फिर आखिरी कॉल किसने किया था सर? वो श्रेया, आखिरी कॉल किसने किया था? सर मैं बताता हूँ, अभिजीत सर का फोन आया था। क्या अभिजीत ने? हाँ अभिजीत ने किया था। अगर उसकी याददाश्त चली गई थी तो फिर उसने गुंजन को फोन कैसे किया? आप ठीक ही कह रहे थे सर, अभिजीत सर याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि अभिजीत के पास उसका फोन हो ही नहीं, किसी और ने उसके नंबर से फोन किया हो अभिजीत को फंसाने के लिए। हाँ अभिजीत को फंसा रहे सब, अभिजीत ने ये नहीं किया, अभिजीत ने वो नहीं किया, अभिजीत ने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, उसके पीछे पड़े लोग सब है ना, यही कहना चाहते हो तुम? आप लोग गोल गोल घूम क्यों रहे हैं? अभिजीत का फोन ट्रेस करो, पकड़ो उसे अभी की अभी। लोकेशन ट्रेस कर लिए सर, अभिजीत सर का फोन तिलक नगर के किसी घर में है। तिलक नगर हाँ, हम लोग तिलक नगर पहुंच गए। क्या गली नंबर 3? ओके थैंक यू सर। हाँ अभिजीत सर का फोन इसी इलाके में, गली नंबर 3 में। गली नंबर 3? लेकिन अभी अभी हमने जो गली पार की वो गली नंबर 2 थी ना? हाँ सर। तो फिर आगे जो सड़क आएगी वो गली नंबर 3 होगी। पंकज सर, यहाँ पे कितने सारे घर हैं, अभिजीत सर कौन से घर में, कैसे मालूम पड़ेगा? बिल्कुल सही पूछा तुमने। तो फिर एक काम करते हैं पंकज, लाउड स्पीकर मंगवाते, जोर जोर से चिल्ला कर कहते अभिजीत यहाँ पर भी हो बाहर निकल आओ। क्या आइडिया है सर, क्या आइडिया है, मैं अभी लाउड स्पीकर वाले को फोन करता हूँ। चुप रहो, ड्यूटी पर आते हो तो अपना दिमाग यहाँ लेकर आना, घर पे मत रख के आना। CID ऑफिसर की तरफ बात करो, CID ऑफिसर की तरफ सोचो, समझे? लाउड स्पीकर मंगवाते हैं सर। हाँ सर ये वाला बंगलो सुनसान लग रहा है, कहीं यहीं पे तो नहीं? सुनसान तो है, हो सकता है, देखते हैं अंदर चल के। सर अंदर से कराने की आवाज आ रही है। प्रथम सही पहचाना तुमने, क्या हुआ यहाँ पर, किसने की तुम्हारी हालत? आपके अभिजीत हमारी ऐसे धुलाई कि लगा हम धोते घाट के कपड़े। अभिजीत ने, कहाँ है अभिजीत, कहाँ है अभिजीत?
तो अभिजीत सर का फोन है। अभिजीत का फोन? सर, अभिजीत सर तो हमारे साथ टॉम एंड जेरी खेल रहे हैं। वो आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। कब तक भागते रहेगा ये हमारे आगे आगे? कब तक छुपता रहेगा वो? श्रेया, गुंजन के फोन के बारे में क्या पता चला? सर, गुंजन का फोन अभी भी ऑफ है। उसका फोन आखिरी बार तभी ऑन था जब अभिजीत सर ने उसे बार में फोन किया था। अभिजीत ने? या अभिजीत सीआईडी के तजुर्बे का पूरा फायदा उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए? लेकिन लगता है भूल रहा है ये कि मुजरिम भाई कोई भी हो, सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। अभिजीत ये बात नहीं भूला है सर। और ना कभी भूलेगा। क्या गया तुम्हारा सोया हुआ जमीर? अपने आप को हवाले करने आ गए? सर, सोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। सर, सर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं बेगुनाह हूं सर। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे थे? क्योंकि सच्चाई का पता नहीं था सर। जैसे ही मुझे सच पता चला, मैं सीधा आपके पास आ गया। मैं निर्दोष हूं सर। मैंने कोई खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? खून तुमने ही किया है अभिजीत। खूनी तुम हो क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सर, अगर मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊं तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना। लेकिन मैंने खून नहीं किया है सर। मैं बहुत जल्द नीना के खूनी को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। नीना के खूनी को पकड़ोगे? अच्छा, रजत अरेस्ट करो नीना के खूनी को। सर, मैं कैसे? क्या हुआ? अच्छा, सर मैं अरेस्ट करूंगा अभिजीत सर को। मुझे पता है एक सच्चे सीआईडी ऑफिसर का फर्ज क्या होता है। अभिजीत सर, अभिजीत, अभिजीत बेवकूफी मत करो, छोड़ दो उसे। सर प्लीज। सर मैंने खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं सर। अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मैं वापस आऊंगा सर। लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। सर मैं जानता हूं इस केस के खत्म होने के बाद आप मुझे माफ कर देंगे सर। सॉरी पंकज। अभिजीत, मुझसे नजर चुराओगे? हाँ, ताकि खुद को निर्दोष साबित करके तुम लोगों से नजरें मिला सकूं। तुम निर्दोष हो ये मेरा दिल जानता है, और बहुत जल्द ये बात पूरी दुनिया के सामने भी आ जाएगी। अगर मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं भाई हूं मैं तुम्हारा। जानता। वाह रे वाह, वाह दया वाह। देखा सबने कैसा एक सीआईडी ऑफिसर एक मुजरिम के साथ भाईचारा निभा रहा है। सर, अभिजीत कोई मुजरिम नहीं है। इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो दया? या फिर अभिजीत ने तुम्हारी जान बचाई इसलिए उसकी कीमत चुका रहे हो तुम? ये क्या बात करें सर? बहुत गलत किया तुमने दया, बहुत गलत किया। अभिजीत की तरह तुम भी अब मुजरिम बन चुके हो। मुजरिम समझे? क्योंकि मुजरिम की मदद करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है।
आज से तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, समझे? आप क्या कह रहे हैं सर? आप दया सर को इस केस से हटा रहे? हाँ फ्रेडी, आज से दया इस केस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये केस उसके मुंह बोले भाई अभिजीत का है। अभिजीत का? दया अब ये पता लगाने की मनस्थिति में नहीं है कि सही क्या और गलत क्या। कहीं अभिजीत को गिरफ्तार करने में दया के हाथ न कांप जाए, इसलिए। ठीक है सर, जो आपका फैसला। एसीपी सर की बात का बुरा मत मानो दया, तुम तो जानते हो ना कि कानून और फर्ज के आगे वो कुछ नहीं देखते। मुझे पता है, अब बस उम्मीद यही है कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जब किसी अपने पे आ जाती है ना, तो जिंदगी का एक एक पल बोझ लगने लगता है। कौन हो सकता है? शायद टिफिन वाला होगा। तुम खाना खाओगी ना? नहीं नहीं, बस घर जाके खा लूंगी। श्रेया, तुम? सर, ब्यूरो में जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आओ अंदर आओ। हेलो डॉक्टर तारिका। क्या लोगी, चाय ठंडा कुछ? नहीं सर, मैं बस ये कहने आई हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर मुश्किल दौर में मैं आपका साथ दूंगी। That's very sweet of you, Shreya. Thank you so much. एक मिनट। अरे विनीत, आओ। सर, सर आप ही की तरह मुझे भी पूरा यकीन है कि अभिजीत सर बेगुनाह है। सर, सर मैं आपकी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आओ। सर, सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। आजा। और ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये पढ़ना इतना आसान है? अच्छा, अब आप लोग क्या लोगे? खाना मंगाओ, 15 मिनट में आ जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ मैं आती हूँ। क्या बात है तारिका? किसका फोन था? वो कुछ नहीं, एक जरूरी काम आ गया, इसलिए जरा जाना पड़ेगा। जरूरी काम, इतनी रात गए, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब परफेक्ट है। मैं आती हूँ, मैं फोन करती हूँ ना थोड़ी देर में, ठीक है? चलो बाय, सी यू। सी यू। सर, कहीं सालूम के साहब ने तो नहीं बुला लिया तारिका को?
तुम्हारे काम आएगा। चलने की आवाज? ओह नो, तारिका, 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 तुम ठीक तो? तुम यहाँ किसे मिलने आई थी? और ये गोली किसने मारी? वो अबे, अबे, तारिका, तुमने साधु का चेहरा देखा? जिसे तुम पे गोली चलाए? तारिका, तारिका, सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर तारिका पे गोली कैसे चला सकते हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान खतरे में डाल देंगे और तारिका पर खरोच तक नहीं आने देंगे। अभिजीत एक खूनी है और खूनी किसी पर गोली चलाते वक्त ये नहीं सोचता है कि उसके निशाने पर कौन है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता आपको कोई हक नहीं अभिजीत को खूनी कहने का। भूल रहे हो तुम दया कि दोस्ती अपनी जगह और एक सीआईडी ऑफिसर का फर्ज अपनी जगह। अगर तारिका पर कोई और गोली चलाता तो क्या तुम इतनी आसानी से उसे जाने देते? सर मैंने अभिजीत को तारिका पर गोली चलाते हुए नहीं देखा तो मैं कैसे मान लूं कि उसने गोली चलाई है तारिका पर? तो फिर दया मुझे बताओ, उस वक्त अभिजीत और तारिका के अलावा तुमने किसी और को देखा है? नहीं सर। तो फिर गोली किसने चलाई? अभिजीत ने ना? सर ये भी तो हो सकता है कि वहां पे कोई तीसरा आदमी हो जिसे मैंने नहीं देखा, मुझसे कोई गलती हो गई हो शायद। गलती हो गई तुमसे? तुम जैसा एक नेक और होनहार ऑफिसर जिसने आज तक कभी गलती नहीं की थी वो आज इस केस में गलतियां कर रहा है, गलतियां किए जा रहा है, क्यों है जवाब तुम्हारे पास? सर आप अपनी जगह पे सही है और मैं अपने, और उम्मीद करता हूं कि अभिजीत भी अपनी जगह पे सही होगा और बहुत जल्द उसकी बेगुनाही का सबूत आप सबके सामने होगा। अभिजीत बेगुनाह है या नहीं ये हम नहीं तय करेंगे, ये कानून तय करेगा। तुम सिर्फ उसे अरेस्ट करोगे, दैट्स ऑल। सर आपने मुझे इस केस से हटा दिया है, तारिका को हॉस्पिटल में लाकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। सर चलता हूं। अभिजीत की दोस्ती ने दया की तेज नजर को जज्बातों से अंधा कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है उसे सही क्या है, गलत क्या है। सर हो सकता है कि दया सर ठीक कह रहे हो पर अभिजीत सर निर्दोष है। तारिका कैसी है? ब्लड बहुत बह गया है, हालत बहुत नाजुक है, बचना मुश्किल है। किसी भी हालत में तारिका को बचाना होगा आपको डॉक्टर साहब, किसी भी हालत में। हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तारिका को, कुछ नहीं होने देंगे हम तारिका को, समझे? हाँ, गुंजन के फोन का पता चल गया, कहां पर? इस घर पर आखिरी बार फोन ट्रेस हुआ था गुंजन का। We'll be right back.
तुम गुंजन हो? क्या हुआ तुम्हारे पैर में? मुझे किसी ने गोली मार दी है सर। गोली मार दी? किसने? अच्छा घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज एम्बुलेंस बुलाओ। सर बोलिए। सर इसे उठा, मैं बिठा दो। हाय घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? मुझे नहीं पता, ये घर मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ खुद की जान बचाने के लिए आई थी, मगर इस खिड़की से किसी ने मुझे गोली मार दी। इस खिड़की से किसी ने गोली मार दी? बात बताओ मुझे, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने तुम पर गोली चलाई? मुझे नहीं पता सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तेरा फोन भी यहीं कहीं गिर गया है। देखो अब तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम लोग है ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कौन कौन पड़ा था आपके पीछे और जिससे बचते बचते आप यहाँ पे आके छुप गई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम अभिजीत को जानती हो? इंस्पेक्टर अभिजीत को? आप सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत की बात कर रहे? आप ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हाँ इनको जानती हूँ, बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। जब मैं मुसीबत की घड़ी में थी तो इन्होंने ही मेरी मदद की थी। अच्छा कैसी मदद? अरे रुक जा, रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। सर 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, सर ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। वही तो सीआईडी वाला है। चल चल फट ले ऐसे। देखिए आप घबराइए मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। कौन थे ये लोग? दरअसल सर मैं मिडनाइट बाद में डांसर हूँ। ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर, मगर ये लोग जबरदस्ती मुझे ये काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर ये काम आपको पसंद नहीं है तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता ये करने के लिए। सर वहाँ पर और भी कई सारी बेसहारा और मजबूर लड़कियां हैं जो इनके जाल में फंसी हुई हैं। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे लोगों से निपटना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। अच्छा तो इसीलिए अभिजीत तुमसे मिलने आता था उस डांस बार में। अच्छा कभी नीना का नाम सुना है? अभिजीत के मुंह से नीना। ये नीना है। अरे हाँ ये तो वही लड़की है ना जिसका अभिजीत सर की गाड़ी से 5 बत्ती के सिग्नल पर एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ ये वही लड़की है। अभिजीत सर इसे एक बार लेकर आए थे मेरे डांस बार में। क्या अभिजीत इस नीना को लेकर आया था तुम्हारे डांस बार में? क्यों आया था कुछ बता सकती हो? अच्छा उन दोनों के बीच में जो भी कोई बातचीत हुई होगी क्या तुमने कुछ सुना, कुछ बता सकती हो तुम? नहीं साहब, डांस बार में म्यूजिक इतना लाउड होता है कि कौन क्या बात कर रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा इन दोनों का बिहेवियर कैसा था? अभिजीत और नीना का बर्ताव कैसा था? बर्ताव क्या तुम्हें लगा कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, ऐसा कुछ लगा तुम्हें? माफ करना साहब मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई।
ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है सर। अच्छा गुंजन, तूने अचानक डांस बार में जाना छोड़ क्यों दिया? मुझे अभिजीत सर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि बाद में मेरी जान को खतरा है। खतरा? मगर किससे? शायद इन्हीं लोगों से जो मुझे मारना चाहते। अभिजीत ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है उन लोगों से। है कौन ये लोग? फिर अभिजीत क्या जानता इन लोगों के बारे में? और कुछ बताया इस खतरे के बारे में अभिजीत ने? बताया तो था सर, लेकिन क्या क्या बताया अभिजीत ने? क्या बताया, बताओ जल्दी। उन्होंने मुझे एक सीडी दी थी। क्या सीडी दी थी? और कहा था कि वो सीडी मैं संभाल कर रखूं। क्या था उस सीडी में? मुझे नहीं पता साहब, मैंने वो सीडी कभी चलाकर नहीं देखी। अभिजीत जी ने बस इतना ही बताया था कि उस सीडी से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जरूर इस सीडी की वजह से वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। कहाँ है वो सीडी? हो सकता है साहब, मगर अभिजीत सर के इतने एहसान है मुझ पर, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं वो सीडी किसी को नहीं दूंगी। सर एम्बुलेंस आ गई। समझा करो गुंजन, उस सीडी की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है और शायद अभिजीत की जान को भी। हो सकता है उस सीढ़ी के जरिए हम उन दुश्मनों तक पहुंच सके। सीढ़ी कहाँ है बताओ। सर मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने उस सीढ़ी को गाड़ दिया है। आप लोगों को वो सीढ़ी वहीं मिल जाएगी। ग्रेट, पूरी ले जाओ इसे हॉस्पिटल। गुंजन के घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे। निखिल, मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते तक आपके पूरे पैसे को वापस लौटा दूंगी। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने सारे गहने बेच डाले। कभी सोचा भी नहीं था मैंने सपने में कि अभिजीत का ये रूप देखना पड़े मुझे। डीसीपी सर हमेशा कहते थे सर, अभिजीत सर की भूली यादों के पीछे बहुत गहरा राज छुपा है। पंकज, तुम डीसीपी की माला जपना बंद करो। सर मुझे पक्का यकीन है अभिजीत सर कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं है सर। तो फिर क्या देखा तुमने सीढ़ी में? क्या देखा? अगर ये बात झूठ होती तो अभिजीत सर गुंजन को सीढ़ी छुपाने के लिए क्यों कहते सर? जब अभिजीत पैसे मांगने गया नीना के घर, तो उसे शायद पता नहीं था कि वहां पर एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ है। हाँ सर, और जब नीना अभिजीत सर को ब्लैकमेल करने लगी, उन्होंने उड़ा दिया उसको अपनी गाड़ी से। बस बस करो पंकज, कहानी मत बनाओ। कहानी नहीं बना रहा हूं सर, मैं केस के जड़ तक पहुंचने के लिए आपकी मदद कर रहा हूं। सर ये नीना शायद गुनहगार थी, इसीलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अभिजीत सर को बेवजह फंसा दिया है सर। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो फ्रेडी, एक मुजरिम के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा होगा? क्या तुम उसे अरेस्ट करोगे या फिर ब्लैकमेल करोगे? ब्लैकमेल करोगे या अरेस्ट करोगे? एक सच्चा नेक सीआईडी ऑफिसर क्या करेगा बताओ? सर वो Excuse me, sir. हेलो, जय सर। सर घुंघरू के ठिकाने का पता चल गया सर। ओके सर। जगह जहां पे अभिजीत ने नीना से पैसे लिए थे, उस सीढ़ी में। लगता है तुम्हारी खबर गलत है, यहां पर तो कोई भी नहीं है।
हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो। हाँ सर, पता नहीं खबरी ने क्यों गलत खबर दी, उसे तो मैं देख लूंगा। अच्छा लो ना यार सैडी वालों को, उल्लू बनाना तेरा काम नहीं है, तू घुंगरू है, पछता रहेगा। नहीं दया, गन नीचे, कोई से हाथ नहीं लगाएगा। जी तुम यहां पे? हाँ मैं, छूना मत इसे। फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए हो? हाँ सर। कहाँ है? क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट में लिखा है कि तारिका पर जिस गन से गोली चली है उसी गन से गोली गुंजन पर भी चली है। इसका मतलब समझते हो? सर इसका मतलब तारिका और गुंजन पे गोली अभिजीत सर नहीं चलाई, और अगर अभिजीत जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और कितने लोगों पर गोलियां चलाते फिरेगा। सर एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या अभिजीत फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गया? सिर्फ अभिजीत ही नहीं सर, घुंगरू भी, दोनों मेरे हाथ से निकल गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कह रहे हो तुम? हा? हो कौन तुम? तुम दया ही हो ना, या दया के बेस में कोई और? कहां गया वो सीआईडी ऑफिसर दया जिसके हाथों से आज तक कोई मुजरिम निकल नहीं पाया? आज वही दया कह रहा है कि उसके हाथों से सिर्फ अभिजीत ही नहीं घुंगरू भी निकल गया। कैसे? हाँ कैसे दया? आई एम सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की पर अभिजीत के सर पे खून सवार था, घुंगरू के सर पे गन लगाकर वो उसे वहां से लेकर गया। अब मैं नहीं चाहता था कि अभिजीत के हाथों किसी का खून हो जाए। नहीं दया, तुम्हारी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं विश्वास हो रहा है मुझे। डॉक्टर सर, क्या बात है? आई एम सॉरी, हम डॉक्टर तारिका को बचा नहीं सके। शी इज डेड। ये क्या कह रहे हैं? संभालिए अपने आप को प्लीज। क्या संभालिए? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ? सर एक्सक्यूज मी। दया, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं यही है, जल्दी से जल्दी अभिजीत को पकड़ना ही होगा। सलमखे, इसी वक्त हॉस्पिटल चला। अरे बॉस क्या हुआ, यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते, क्यों बुलाया? यार क्या हुआ? यार सलमखे, वो तारिका अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, सुबह सुबह मुझे बेवकूफ बना रहा तुम? हाँ नहीं नहीं, दया दया प्लीज टेल हिम, समझाओ अपने एसीपी को, सालू के को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ प्लीज। अरे यार सर, आप प्लीज अंदर मत जाइए। क्यों? आप देख नहीं पाएंगे। क्या नहीं देख पाऊंगा मैं यार? हाँ प्रतिमा, तारिका। हाँ सर उनके। सर प्लीज संभालिए अपने आप को, अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो
हम लोगों का क्या होगा? हाथ मत लगा दो मुझे। सर बोलो इसे, हाथ मत लगाइए मुझे। नहीं नहीं, इसी की वजह से हुआ है। तुम्हारे उस दोस्त अभिजीत की वजह से तारिका की हालत हुई है। और जितनी तारिका की मौत में अभिजीत का हाथ है, उतना ही तुम्हारा भी हाथ है। तुम अगर वक्त पर अभिजीत को गिरफ्तार कर लेते तो आज तारिका की हालत नहीं होती। बोलो इसे, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बोलो इसे, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। गो अवे दया। सर सर प्लीज सर, सर कहाँ जा रहे हो भैया? तारिका से मिलने। बहुत देर हो गई है। देखो दया, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा दया, पर प्लीज अभी अभी मुझे जाने दो। तुम देखना तारिका मुझे देख के कितनी कितनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। अभिजीत, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुस्से में हो, मैं समझ सकता हूं कि घुंघरू को ले जाके मैंने कानून तोड़ा है। तुम लोग नाराज हो गए मुझसे, एसीपी साहब भी मुझसे नाराज है, पर मेरा यकीन करो, मैं सब सब गलत फहमियां दूर कर दूंगा टक मारने पर। प्लीज मुझे तारिका से मिलने जाने दो। अभिजीत, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तारिका आप कभी ठीक नहीं होगी। कभी ठीक नहीं होगी? क्या मतलब कभी ठीक नहीं होगी? तुम ऐसा कह कैसे सकते हो दया यार? अभिजीत, क्योंकि मरे हुए लोग कभी दोबारा वापस नहीं आते। तारिका इज डेड। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो दया, तुम झूठ बोल रहे हो यार। नहीं अभिजीत, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे मजाक करने की? तुम जानते नहीं हो तारिका की क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। जानता हूं दोस्त, जानता हूं। काश ये बात झूठी होती, पर अफसोस अफसोस तुम्हें तारिका के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं डालूंगा अभिजीत, ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तारिका जिंदा है, मुझे जाने दो। अभिजीत संभालो अपने आप को, सच्चाई से समझौता करने की कोशिश करो। नहीं, समझौता करूंगा अभिजीत, लेकिन तारिका के खूनी को अंजाम तक पहुंचाने के बाद। नहीं अभिजीत, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कानून को हाथ में पकड़। तूने डॉक्टर तारिका को मारा है ना? नहीं अभिजीत, नहीं अभिजीत, छोड़ दो इसने। इसने तारिका की जान ली है, छोड़ इसे। अभिजीत नहीं, अभिजीत कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। अभिजीत, क्या हुआ ये? अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ दया? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत, 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 अभिजीत। पता नहीं सर, सीआईडी को किसकी नजर लग गई। एक के बाद एक हमें छोड़ के जाए सर। आई एम सॉरी सर, अगर मैं इन्हें नहीं मारती तो ये मुझे मार देते सर। ये तो होना ही था, होना ही था, ये दया, ये होना ही था। अभिजीत, थैंक यू।
गुगलू चलो जल्दी चलो, टिकट करा लिए ना तुमने हम दोनों के? कहाँ का? अरे सिंगापुर का टिकट, और कहाँ का? सिंगापुर का नहीं, जेल का टिकट करवाया है, वो भी फर्स्ट क्लास। तुम जिंदा हो? जख्मी हालत में थी, दौड़ भाग करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बताओ क्यों किया ये सब, बताओ। अबुन और गुंजन आपस में प्यार करते और इस गुनाह में हम दोनों बराबर के भागीदार। मैंने नीना से कुछ रुपए उधार लिए थे जिनको कि वो वापस दोगुने ब्याज पे मांग रही थी। मैंने किसी तरह बाद में काम कर उसको 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो मुझसे 10 लाख रुपए और मांग रही थी। इसीलिए मैंने उसको मार डालने का प्लान बनाया। अगर नीना को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उसने गुंजन को मारने के लिए गुंडे भेजे उसी रात जब अभिजीत साहब ने गुंजन की जान बचाई, तो तुम लोगों ने सोचा क्यों ना अभिजीत की शराफत का फायदा उठाया जाए, उसे नीना के यहाँ भेजा ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे वो नीना से वापस दिलवा सके। और वही पैसे देते वक्त हमने इनकी सीडी बना ली ताकि नीना को मारने के बाद हम उसकी मौत का इल्जाम अभिजीत जी के सिर पर डाल सके। और जब ये बात अभिजीत साहब को पता चली तो उन्होंने अपुन को मच्छी बाजार में पीटा और उसी हाथापाई में हम समुद्रा घाट पहुंच गए जहां मैंने पीछे से आकर अभिजीत जी की पीठ पर गोली मार दी। तुम लोगों को लगा मैं तो गया, मर गया अभिजीत, काम खत्म। हाँ मगर उस मछुआरे ने तुम्हें बचा लिया। और फिर हमें पता चला कि आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं। फिर डर गए ये, इन्हें लगा कि अगर अभिजीत की याददाश्त वापस आ जाए तो इन दोनों का भांडा फूट जाएगा, इसलिए तुमने सोचा ना कि अभिजीत को खत्म कर दे। हाँ और आपकी वो फॉरेंसिक डॉक्टर तारिका वो भी अभिजीत जी की मदद कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको भी शहीद कर दिया। आप सब हंस काहे को रहे? तुम्हें क्या लगा तारिका भी खत्म हो गई और अभिजीत भी खत्म हो गया है? तारिका भी जिंदा है और अभिजीत भी, समझे? अपने आप को बड़े चालाक समझते हो है ना है? लेकिन तुम जैसे चालाक मुजरिमों को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है, समझे? हमने भी नाटक कर लिया अभिजीत और तारिका के मरने का, अब जेल में सड़ते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो सर। अरे तारिका अब कैसी हो तुम? ठीक हो? अब कहना पड़ेगा तारिका तुमने इस केस में बहुत हिम्मत दिखाई और शायद इसीलिए हमने इस केस को इतने जल्दी सॉल्व किया। क्यों सर, मैं भी तो सीआईडी का हिस्सा हूं ना, अगर आप लोग अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.